अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। वैलेंटाइन डे मनाना सही है? ये कैसा सवाल है। हम मुसलमान हैं और हमारी अपनी रवायत, इकदार और त्यौहार हैं, और ये इकदार और रवायात ही मुस्लिम उम्मा का इम्तियाजी पहचान और फ़ख्र हैं, और हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लामी इकदार की तरवी व इशात करनी चाहिए, ना कि ईसाइत का प्रचार। ये त्यौहार जिसे योम मोहब्बत का खूबसूरत नाम दे दिया गया है ताकि मोहब्बत की आड़ लेकर हर मज़हब का इंसान इस त्यौहार को मनाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, और वाकई बेशतर इस्लामी ममालिक जिनमें हमारा मुल्क पाकिस्तान भी शामिल है इस त्यौहार को ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल बड़े एहतमाम और दिलचस्पी से मनाने की तैयारियां करते दिखाई देते हैं, और हमारा मीडिया भी इस शुगल के फ़रोग में बेश बेश है। इस्लाम मोहब्बत, अमन और सलामती का मज़हब है, और जज्बा मोहब्बत बहुत वसी और ख़ूबसूरत जज्बा है। एक मुसलमान का मुसलमान से, एक इंसान का इंसान से मोहब्बत करना कार खैर और पसंदीदा अमल है, और मोहब्बत कोई ऐसा जज्बा नहीं कि जिसे मनाने के लिए कोई दिन मखसूस कर लिया जाए। सच्चा और ख़ालिस जज्बा मोहब्बत हो तो वो हर दिन जारी सारी रहता है। ये जज्बा मोहब्बत कोई यादगार नहीं कि जिसे मनाने के लिए कोई दिन मखसूस कर लिया जाए, और जिस तरह यह दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है ये सरासर मोहब्बत की तौहीन है, तजदीद नहीं। लिहाजा ख़ास कर हम मुसलमानों के लिए किसी भी तौर पर यह खुद साख्ता दिन, ये त्यौहार जो कुछ भी है मनाना कतअन दुरुस्त नहीं है। लेकिन अफसोस कि हमारी कौम के अक्सर अफराद गैर मुसलमों की तकलीद करके ख़ुद को गैर मुसलमों से कमतर साबित कर रहे हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम किस मज़हब के पैरोकार, किस नबी की उम्मत हैं और किस कौम से वाबस्ता हैं। हमें हर मामले में सिर्फ और सिर्फ इस्लामी अकायद और इस्लामी तालीमात को पेश नज़र रखना चाहिए, और हमें इस्लामी त्यौहारों को ख़ास इस्लामी तरीके से मनाना चाहिए। दीगर अकवाम के मुकाबले यही हमारा इम्तियाज़ है, यही हमारी पहचान और यही हमारा फ़ख्र है, ना कि बसंत या वैलेंटाइन डे जैसे गैर इस्लामी त्यौहारों को मनाना और फ़रोग देना। हम मुसलमान अपना इम्तियाज़, अपनी पहचान, अपना फ़ख्र और अपना वक़ार इसी सूरत कायम रख सकते हैं कि हर किस्म की गैर इस्लामी सरगर्मियों को तर्क कर दें और ज़िंदगी के तमाम मामलात में इस्लामी इकदार व रवायात पर हुक्म इलाही और अतात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अमल पैरा हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह निगेबान। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके।